देख रहे हैं बहुत से माताएं लोग और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत से चाचा जी धनबाद मनाईटार से गोल्ड बिल्डिंग। अच्छा गोल्ड बिल्डिंग के पास से आए हैं छठ तला रोड में। अच्छा छठ तला रोड। आप यहाँ पे कब से हैं? 13 साल हो रहा। 13 साल से आप यहाँ पे हैं? नहीं पर हम लोग का सेवा कर रहा है तो बस पढ़ाइए करिए बस और का बस आशीर्वाद देते रहिए हम सभी को। आशीर्वाद है All of you, always welcome. ठीक है मिलते हैं। ठीक थैंक यू। ये लाचार होकर यहाँ पे आए हुए हैं जैसा कि देख रहे थे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलता है? खाने पीने का कपड़ा रहता तेल साबुन सब कुछ कोई टेंशन नहीं है। सभी को सारा सुविधा मिल रहा है ना? हाँ, सब कुछ सभी को मिल रहा ना सुविधा? जिनको सारे जग ने ठुकरा दिया उसे यहाँ पे लाल मणि वृद्धा आश्रम ने अपनाया है। हाँ बेतिया से एक बहन जी आई हुई है जिनका देख सकते हैं आप इनका दोनों पैर नहीं है। देखिए इनका दोनों पैर नहीं है बेचारी बहुत ही मजबूर है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम जो कि लोहार बरवा रोड धनबाद में है। तो मैं अभी ये आश्रम आया हूँ। वहाँ पे बहुत ऐसे गरीब माताएं लोग हैं जिनको घर से कोई सहारा नहीं बनता है, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता है, वैसे माता पिता को यहाँ पे रखा जाता है। इस आश्रम का नाम है लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम। यहाँ का संपर्क सूत्र भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट अंदर चलता हूँ। मैं मिलवाता हूँ वहाँ के सभी बुज़ुर्ग माताओं से जिनके घर में कोई सहारा नहीं बनता है, सहारा नहीं मिलता है। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको अंदर लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ अंदर का क्या है रखरखाव, कैसे वो लोग को रखा जाता है, कौन कौन उनके साथ मेहनत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है तो आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आश्रम के अंदर लेकर चलता हूं और मैं वहां का कार्यकर्ताओं से सभी से मैं बात करवाने वाला हूं कि अंदर में कैसे क्या मतलब मेंटेन करते हैं, क्या यहां का रख रखाव कैसे है। आइए मैं डायरेक्ट आश्रम के अंदर चलता हूं, आप सभी को मिलवाता हूं। आइए तो मैं आश्रम के अंदर इन कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी आश्रम के अंदर आ चुका हूँ और ये आश्रम बहुत ही बड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे आश्रम है और देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत ही हरा भरा है। मैं अभी आश्रम के अंदर अभी आप सभी को लेकर चलता हूँ और मैं यहाँ का जितने भी मैनेजमेंट करने वाले हैं मतलब जो यहाँ पे रख रखाव करते हैं, जो इतना मेंटेन करते हैं, मैं उन सभी से आप सभी को बात करवाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कार्यकारी लोग हैं। तो देखिए मैं आ चुका हूँ लाल मणि वृद्धा सेवा आश्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं मोहम्मद नौशाद गद्दी जी और सचिव जी हैं डॉक्टर देवेंद्र शरण जी और कोषाध्यक्ष हैं प्रशांत वर्मा जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं वी सुधीर जी। तो मैं आप यहाँ पे भी नंबर से आप कॉन्टेक्ट बताएँ लोग और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत ही बुजुर्ग हैं। तो इन सभी का जो देख रेख करते हैं मतलब कि संभालते हैं कब क्या चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब स्नान करना है, क्या करना है, तो सभी को देख रेख करते हैं। तो मैं डायरेक्ट उन सभी से मिलाता हूँ, फिर अभी कुछ माताओं लोग से भी आपको बात करवाने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसा फैसिलिटी मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रहा है। तो आइए मैं डायरेक्ट उनसे बात करवाता हूँ जो कि इनको रख रखाव करते हैं मतलब कैसे मेंटेन करना है, कब नहाना है, कब भोजन देना है। तो मैं डायरेक्ट उनसे आपको बात करवाने वाला हूँ। आइए मैं उनसे बात रहे मेरे सामने जी। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हो गया सुबल सिंह जी। सुबल सिंह जी आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो वृद्धा आश्रम है ये मतलब कब से यहाँ पे मतलब चल रहा है? जी 2006 से चला रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा, और यहाँ का रख रखाव के बारे में कुछ बताइए। रख रखाव के बारे में जो जैसे असहाय वृद्ध लोग जो हैं जी जिनको अपने में ठुकराया है जी और हम लोग उनको रखते हैं जी। इनमें जैसे सवेरे का नाश्ता, दोपहर की भोजन, शाम का फिर भोजन जी, रोटी सब्जी जी, दूध जी सब दिया जाता है इन लोग को। नहाने का, धोने का कपड़ा साबुन, कपड़ा नहाने का साबुन,
इसके बाद इन लोग को जैसे कपड़ा जो भी है जितना भी कपड़ा साड़ी जैसे वृद्ध जो है महिलाओं को साड़ी दिया जाता है जी, पुरुषों को जैसे लुंगी टी शर्ट ट्रोजर जो जो पहनते हैं सब दिया जाता है। जैसा कि बता रहे हैं तो आप तो सुन ही रहे हैं कि अगर आपको दुनिया ठुकरा दिया है, वैसे लाचार आदमी को जब दुनिया ठुकरा दिया है, तो लालमणि आश्रम आपके लिए है सहारा। घबराइए मत और परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आप यहाँ पे आके एक बार बात कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूंगा। और बताइए कि यहाँ पे अध्यक्ष वगैरह कौन कौन से हैं, सारा आदमी का नाम बताइए, मतलब जो जो यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ जो अध्यक्ष हैं नौशाद गद्दी जी हैं जी, इसके बाद आपका कोषाध्यक्ष हैं आपका डॉक्टर प्रशांत वर्मा जी हैं जी, सचिव देवेंद्र सरन जी हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर बर्नवाल जी हैं जी जी जी, और हम सुबल सिंह मेरा नाम हो गया जी जी, हम यहाँ का सेवा करते हैं जी, केयरटेकर भी हैं जी, प्लस ट्रस्टी भी हैं जी जी जी। और भी यहाँ हैं आदमी लोग हैं ये, आप भैया आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विष्णु कुमार दास है जी, मैं साउथ बलियर बस्ती नियर कुटकी के सामने में मेरा घर है जी जी। अच्छा अच्छा, एक भाई और हैं, मैं उनसे भी आपसे को मिलाऊं भी। आपका शुभ नाम क्या है? रितेश कुमार दास है जी, मैं चिरोड़ी कुटकी जी का रहने वाला हूं जी। देखिए हम लोग संस्था के पास खड़े हैं और लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के पास हम लोग खड़े हैं और सभी देखिए ये बिल्कुल हकीकत वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं। आइए मैं यहाँ के माताओं पिताओं से बात करवाना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे हैं। आइए मैं डायरेक्ट उनसे बात करवाता हूँ कि कैसा उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या क्या सुविधा उनको मिलता है। मैं डायरेक्ट उनसे होकर यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि देख रहे थे, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलता है? खाने पीने का, कपड़ा रहता, तेल साबुन सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। सभी को सारा सुविधा मिल रहा है ना? सब कुछ सभी को मिल रहा है ना सुविधा? देखिए दोस्तों ये हकीकत है कि पुत कपूत हो जाता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, ये आप लोग सभी सुने भी हैं। देखिए बाल बच्चा घर से निकाल दिया है लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ माताएं ऐसी है जो कि अपने बेटे के लिए, आज जितिया का पर्व है, मैं जितिया के दिन ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो ये इनमें से दो तीन महिलाएँ जो हैं माता जी जितिया का भी व्रत की है। तो आपकी है ना, आपकी हैं जितिया? जी जितिया। अच्छा, और एक आपकी हैं? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कुछ माताएं लोग ऐसी हैं जो कि अपने बेटे के लिए, बेटियां के लिए जितिया भी करके रखी हैं। तो देखिए इसीलिए बोलते हैं ना कि बेटा कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती, माँ के दिल में अभी भी ममता झलक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वृद्धा आश्रम में होते हुए भी देखिए बेचारी जितिया का पूजा जो कि हम लोग जूत पूजा भी बोलते हैं, वो जितिया पूजा पूजा तो हम बेटा के लिए जरूर जितिया पर्व है। देखिए ये माता जी का कहना ये है कि बेटा के लिए मैं व्रत जरूर करूंगी। इधर भी एक माता पिता ऐसे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, एक माता पिता, ये दोनों पति पत्नी हैं और यहाँ पे हैं लालमणि वृद्धा आश्रम में, यहाँ पे हैं ये लोग। माता जी आप लोग कहाँ से आए हैं? झरिया। जी झरिया। ये लोग झरिया से आए हुए हैं, आपको आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? ये घर की से हम लोगों को निकाल दिया नहीं है। अच्छा लगता है कि घर में ही है। अच्छा इनको ऐसा नहीं फील, कभी भी फील ऐसा नहीं होता कि इनको घर से निकाला गया है, इनको घर के जैसा ही प्यार यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? दो महीना। अच्छा 2 महीना के करीब से यहाँ पे हैं माता जी। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, एक और अंकल जी हैं, मैं उनसे अभी आपको बात करवाने वाला हूँ। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? केंदुआ से आए। केंदुआ से आए हुए हैं? जी धनबाद केंदुआ। अच्छा धनबाद केंदुआ मैं देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कब से हैं? करीब साल भर हो गया। साल भर, एक साल हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपको कैसा सुविधा मिल रहा है? घर से बहुत बढ़िया, घर से अच्छा, जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, इनको यहाँ सभी लोग यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सबका वही स्थिति है जी। बेटा उठा रही है आपका? हाँ, अच्छा परिवार डेट कर गया। हाँ, चला था, चला था। अच्छा अच्छा, इनका दो बेटी हैं और इनका वाइफ नहीं है। तो ये लाचार होकर यहाँ पे आए हुए हैं जैसा कि देख रहे थे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं जी। आपका शुभ नाम क्या है? पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल। तो आप देख रहे हैं ये पूनम अग्रवाल जी हैं जो कि यहाँ पे खाना वगैरह बनाने में बहुत ही सहयोग करती है, इनका सहयोग से ही खाना बन पाता है।
आपका अंदर अभी जाकर आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर जाकर मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे सभी लोग के लिए सुविधा है, क्या सुविधा है। देखिए सोने उने का सारा अच्छी सुविधा है। सही, देखिए आपको टीवी भी यहाँ पे दिख रहा है, टीवी भी है और पंखा वगैरह सब कुछ है। जो आपका घर में फैसिलिटी है सारा कुछ यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल रहा है, जैसा कि देख रहे हैं सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये कूलर है, आज आए हुए हैं आप, कहाँ से आए हैं? छाताबाद से आए हैं जी। ये छाताबाद से आए हुए हैं चाचा जी, आज ही आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ बेतिया से एक बहन जी आई हुई है जिनका देख सकते हैं आप, इनका दोनों पैर नहीं है। देखिए इनका दोनों पैर नहीं है, बेचारी बहुत ही मजबूर है। आप लोग भी मजबूर हैं तो यहाँ संस्था से संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल। पूजा वूजा भी सभी लोग करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं हनुमान चालीसा वगैरह है, धार्मिक पुस्तकें हैं और यहाँ पूजा वूजा का भी देखिए सारा, सभी देवी देवताओं का फोटोज वगैरह लगा हुआ है आप देख रख। आइए मैं आश्रम के अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ के कुछ कार्यकारिणी लोग भी हैं, उन सभी से मैं भी आपको बात करवाने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्ट अभी चलता हूँ पहले संस्था के अंदर, उसके बाद यहाँ पे जो भी लोग हैं मैं उन सभी से आपको बात करवाने वाला हूँ अंदर चलकर। आइए यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा वूजा भी करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, फोटो वगैरह लगा हुआ है। ये जो होती है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये यही है लाल मणि, इन्हीं के नाम से संस्था इतना बड़ा चल रहा है, मतलब इन्हीं के नाम से संस्था का नाम पड़ा है लाल मणि। अरे मैं दिखाता हूँ यहाँ का कुछ, जैसे कि सभी लोग अभी देखिए रेस्ट करें, दोपहर का समय सभी लोग खाना खा कर यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कार्यकारिणी लोग हैं, या